मेरा धर्म अच्छा है तुम्हारा घटिया है, ये गीता का उपदेश नहीं। मैं अच्छा हूं तुम घटिया हो, ये भी गीता का उपदेश नहीं है। किसी की निंदा नहीं है, ये कपड़ा ऐसा पहनता है, ये ऐसा नहीं पहनता है, गीता में ये भी बात नहीं है। गीता सबको प्यार करती है, सबको प्यार करती है। मुझे ये सबसे अच्छी लगी, कोई बंधन नहीं। और इसकी फिलॉसफी, संसार की जितनी फिलॉसफी है उनसे हाईएस्ट फिलॉसफी है। हर एक संप्रदाय की अपनी अपनी फिलॉसफी है। हिंदू धर्म की एक फिलॉसफी है जिसको दर्शन शास्त्र कहते हैं, इस्लाम के दर्शन शास्त्र हैं, क्रिश्चियनिटी के दर्शन शास्त्र हैं, और जितने छोटे छोटे अभी नए धर्म पैदा हुए हैं इन 1000-2000 वर्षों में, सबकी फिलॉसफी। गीता किसकी फिलॉसफी? फिलॉसफी तो गीता में भी है पर हिंदू धर्म की नहीं है, इस्लाम धर्म की नहीं है, क्रिश्चियन धर्म की नहीं है, और ये न हिंदू रिलीजन की किताब है। जो कहते हैं गीता हिंदुओं की है वो गीता को जानते नहीं, ठीक तरह से नहीं जानते। ये क्या है? अरे गीता के नाम से तो है कि ये आनंद की पुस्तक है। आनंद किसका है बताओ? हिंदुओं का कि मुसलमानों का कि ईसाइयों का? ये आनंद की तो पुस्तक है। और ये किस रिलीजन को बिलोंग करती है? मुझसे पूछा आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं? मैंने कहा अगर ईश्वर हिंदू है तो मैं हिंदू, और अगर ईश्वर मुसलमान है तो मैं मुसलमान, और ईश्वर अगर ईसाई है तो मैं ईसाई हूँ, और ईश्वर अगर सिख है तो मैं सिख हूँ। कहते नहीं ईश्वर की तो कोई जात ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर मैं ईश्वर की जात में हूँ, मैं किसी एक ग्रुप को बिलोंग नहीं करता और ईश्वर की ही वाणी को मानता। गीता का पहला शब्द है धर्म, अंतिम शब्द है मम, इसके अंदर गीता है। मेरा धर्म किसका धर्म है? वो ईश्वर का। बताओ ईश्वर के धर्म में और इन सब धर्मों के धर्म में कोई अंतर तो हो गई, नहीं तो ये अलग हुए क्यों? ईश्वर के धर्म को हमने काट करके आज पागल की तरह हम खुश हो रहे हैं कि हम जो बना रहे हैं ये धर्म अच्छा है। जैसे अपने सिर काट के खुश हुआ ना वो पागल, आज पागल हो गए सब। और धर्म के नाम पर इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, इनकी निंदा करे वो नीच है, लेकिन इनमें मिलकर के इनकी बेवकूफियों को धारण करे वो महानीच है, अंधा है। मैं सारे संसार में घूमा हूं, लोग पूछते हैं मुझे कहीं आपको किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ऐसा आदमी मिला जिसने ईश्वर को देख लिया है? मैंने कहा मुझे मिले हैं, आपको नहीं मिलेंगे। बोले क्यों? मैंने कहा आप घर के अंदर खड़े हैं, आपको शहर दिखाई नहीं देगा। मैंने घर छोड़ दिया है, मेरा कोई घर है ही नहीं, मैं तो हवाई जहाज में ऊपर चढ़ गया हूँ। अब मैं जमीन में गांव में भी नहीं रहता हूँ किसी में, मेरा घर कहीं नहीं है, हाँ कोई घर नहीं है, झोंपड़ी भी नहीं है और धर्म भी कोई नहीं और मंदिर भी कोई नहीं। मस्जिदों में गुरुद्वारों में सब जगह जाता हूँ। अभी मैं एक गुरुद्वारे में गया, वहाँ मुझे इतनी सारी भेंट दी नोटों का बंडल और एक सिरोपाव भी दिया, कपड़ा भी मैंने ले लिया। अनादर थोड़ी किया जाता है, जो श्रद्धा से देते हैं और उसको कोई ठोकर मारता है तो वो घमंडी है। हमारे यहाँ तो श्रद्धा से कोई सुपारी दे तो वो भी लेते हैं,
मैंने ले लिया। ये हॉल है, इतना ही बड़ा हॉल, सारा भरा हुआ था खचाखच गुरुद्वारे। जब दे दिया उन्होंने मेरा भाषण सुनने के बाद, मैंने ले लिया, शिरोपाव भी ले लिया, नोट भी ले लिए। मैंने उन सबसे कहा कि आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोला क्या? मैंने कहा ये गुरुद्वारे वाले प्रेसिडेंट साहब ने मुझे ये दे दिया है, तो ये मेरा है या आपका? कहने लगे नहीं, ये तो आपका है। आवाज आई सब तरफ से, तो मेरा है ना, तो अब इसको खर्च करने का मुझे अधिकार है। बोला हाँ आपको अधिकार है, आप ही तो नहीं कहेंगे कि आप मत कहीं खर्च करो। मैंने कहा नहीं, आप जहाँ चाहो खर्च करो, तो आपकी चीज़ है। मैंने कहा वो आपका कब्जा नहीं है इस पर? बोला नहीं। मैं उठा और वो रुपये और वो सिरोपा ग्रंथ साहब के आगे रख दिया। मैंने कहा आपकी इसमें श्रद्धा है, मेरी भी श्रद्धा है, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, मुझे हक है, मेरी चीज़ है, मेरा पैसा है, मेरा कपड़ा है। रख तो दिया। बाद में उनमें ऐसी चर्चा चली कि ऐसा कोई आज तक आया ही नहीं है, तो जो आता है लेके जाता है और फिर ये कहता है कि क्या दिया, इतना बड़ा दिया क्या? मैं अमेरिका में आया था, अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी कि नहीं, आपको पता है शायद, शिकागो में कॉन्फ्रेंस हुई थी। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, मुझे कुछ नहीं दिया, मैंने मांगा भी नहीं, और ना ही मैंने पैसे के लिए किया ही है। यहाँ मैं पैसे के लिए आया हूँ क्या? पैसे के लिए नहीं आया। लेकिन जब कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई, मैं जाने लगा, उन्होंने मुझे $11,000 दिए, और 11,000 ही खर्च भी किए उन्होंने मेरे ऊपर टिकट विकट के। टिकट के कितने किए मुझे मालूम नहीं था, और किसने किया मुझे ये भी पता नहीं था, लेकिन $11,000 मेरे हाथ में आया। आते ही मुझे खुशी हुई, लक्ष्मी देख करके कौन नाराज होएगा, मुझे खुशी हुई। और फिर मैंने कहा गीता कहती है लक्ष्मी को नारायण के हवाले करो, ये नारायण की घरवाली है, दूसरे की घरवाली को कोई अपने घर में ला के रखेगा, लक्ष्मी तो चली जाएगी वापस अपने पति के पास, लेकिन जाते जाते उसकी एक ऐसी लात लगाएगी कि उसकी बत्ती सी टूट जाएगी। अभी जब मैं सिंगापुर में था ऐसा हुआ, 8वें मंजिल से एक चीनी नीचे कूद गया और खोपड़ी फट के खरबूजा खरबूजा हो गया। कही क्या बात हुई, इसको क्या तकलीफ हुई? बड़े लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर, और मैं देखिए योग उसी में एक फ्लैट में ठहरा हुआ था एक सज्जन के यहाँ। तो बाद में पता लगा कि जापान में शेर गिर गए थे, तो मैंने कहा जापान में शेर गिरे तो ये तो सिंगापुर है, यहाँ तो कई सिंह हैं, यहाँ ये गिदड़ कैसे गिरा? बात ये है उसकी लक्ष्मी बेचारे की चली गई एकदम, बस वो बर्दाश्त नहीं कर सका और 8वें मंजिल से नीचे गिरा। ये लक्ष्मी है ही ऐसी, आते भी देरी नहीं करती है, जाते भी देरी नहीं करती है। आते समय तो आदमी को अंधा कर देती है, राइट रॉन्ग नहीं समझता, धर्म और अधर्म नहीं समझता, और जाते समय जो है एक लात लगाती है जिससे उसकी बत्ती सी तोड़ देती है। सजनो तो ये लक्ष्मी का खेल है, पर खैर जो भी हो, पर मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ गीता में से। अब उस विषय पे आता हूँ, ये तो मैंने ऐसे ही आपको, क्योंकि आप सुस्त से बैठे हुए थे, मुझे वो चेहरा अच्छा नहीं लगता है। मैं हमेशा हंसता हूँ, 75 साल से अन्न नहीं खाया, नमक नहीं खाया, जल नहीं पिया, ऐसा तो हुआ है, लेकिन मैं रहता हूँ हमेशा प्रसन्न चित्त। तो इसीलिए मेरे घर में सब छोटी छोटी उम्र में मर गए, मैं अभी तक 90 से ऊपर चला गया हूँ, अब तो 100 के हाथ लगा रहा हूँ।
कई संतों महात्माओं को भी मैंने देखा जल्दी जल्दी मर जाते हैं। मैं अभी भी गया हूँ, लेकिन अभी तक मालूम होता है मेरा फाइल गुम हो गया है भगवान के यहाँ कहीं। गुम तो नहीं हुआ है, मिसप्लेस हो गया है, पता लगते ही मेरे बुलावा आ जाएगा, तब चले जाएंगे, उसमें क्या है। तो लोग ये पूछते हैं भगवान को किसी ने देखा है नहीं देखा, लेकिन कईयों ने देखा है, मैं उनको जानता हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है उनको, जो भगवान को देखा है। पर अब ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, इसका ये मतलब थोड़ी कि भगवान है ही नहीं। हम तो जाके मंदिर में कहते हैं कि हे भगवान, हमारी लॉटरी खोल दे अब की 10 लाख की, मैं तुमको 4 आने का प्रसाद चढ़ा दूंगा। और लॉटरी नहीं खुली तो आपने भगवान को अनफिट कर दिया, डाइवोर्स कर दिया, देख लिया हमने भगवान भगवान कुछ नहीं है सब। हे भगवान, मेरा लड़का कैंसर में है, इसको ठीक कर दे, 5 रुपये चढ़ा दूंगे प्रसाद के। नहीं ठीक हुआ, लड़का मर गया, देख भगवान भगवान कोई नहीं, हमने सब देख लिया है। तो ऐसे लोगों में है, पर मैंने ये देखा एक चीज़ सब में, सब जगह देखी, सारे संसार में, आज इसकी चर्चा करूँगा। एक आदमी को देखा सूखा सड़ा कांटे की तरह, हवा लगे तो गिर पड़े। मैंने उसे कहा तुम इतने कमजोर इतने दुबले कैसे हो, मैं तो खैर 75 साल से अन्न नहीं खाता, हो सकता हूँ कमजोर, तुम कैसे हो, और तुम तो 4 बार रोटियाँ रगड़ते हो। कहने लगे स्वामी जी मेरे कर्मों का फल। अच्छा,